हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, आ चुके हैं हम आज फिर से ब्रॉन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव, और आज हमारी मीटियोर 350 की 7th सर्विस होने वाली है। तो आज क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे और किस तरीके से ये सर्विस होगी, क्या क्या पार्ट्स चेंज होंगे, इन सब के बारे में करेंगे पूरी बात, डिटेल्ड वीडियो एज एवर। बट उससे पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमारे साथ आ चुके हैं श्याम जी। श्याम जी यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन है ब्रॉन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव में। और अब श्याम भाई से पूछते हैं कि श्याम भाई, इसमें आज क्या क्या करने वाले हैं? आज आपका इस गाड़ी में होगा इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा, एंड टैपेड जो होते हैं ना टैपेड, उसके एडजस्ट करेंगे। इसके बाद बाकी चीज़ जनरल चेकअप करेंगे कि क्या दिक्कत है गाड़ी में। ठीक है। और चेन क्लीन, चेन क्लीनिंग, लुब्रिकेंट होगा, हाँ, बाकी तो आगे का डिस्पैड वगैरह क्लीन करेंगे, रिक्वायरमेंट होगा तो चेंज करेंगे, एंड चेन एडजस्टमेंट, वो सब सारे काम करेंगे। तो गाइज, ये सारे काम आज श्याम भाई करने वाले हैं, तो बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा क्या होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, हर एक वीडियो जो होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ अलग होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, और स्किप करने पे लोग मिस कर जाते हैं। तो स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो एंड तक देखिए और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और एंड में कितना बिल आया, क्या हुआ, सारी चीज़ बताएंगे। फ़िलहाल सम गार्ड जो है वो खुल चुका है। अब ये जो इंजन ऑयल का चेंबर होता है, या कह सकते हैं कि जो ऑयल फिल्टर का चेंबर होता है, उसे खोल रहे हैं। अब देखते हैं कि ऑयल किस तरीके का निकलता है, अच्छा है, ख़राब है, अब जो भी है आपके सामने ही आएगा। वैसे मुझे उम्मीद है ऑयल ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि ये थोड़ी सी गुड़गांव के पानी में चली है, तो कहीं पानी ने कोई खेल ना किया हो। तो देख रहे हो आप, हालत तो देख ही रहे हो आप कैसी हो रखी है, तो बस यही देखना है कि पानी ने कोई खेल तो नहीं किया है, अंदर तो नहीं पहुँचा है पानी, बाकी तो सारी चीज़ें। तो ये देखो, ये ऑयल फिल्टर फ़िलहाल ये देखो बाहर आ चुका है, और अब ये निकाल रहे हैं इसमें ऑयल वगैरह। देखो यहाँ पे सर्विस किट जो है ये हमारी आ चुकी है, और इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये आती है तकरीबन 1145 रुपए की, 1145 की है ये देखो। और इसके अंदर आपका आएगा एयर फिल्टर, इसके अंदर आएगा टैपेट की कवर, टैपेट गैसकेट, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और इसके साथ एक स्पार्क प्लग भी आता है अब। तो अब एक इसके साथ एक स्पार्क प्लग भी आएगा। तो ये देखो, अब ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे जैसे ये चीज़ें खुलती रहेंगी, ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखो ये ओरिंग्स हैं, ये देखो फिल्टर आ गया, और ये देखो इसके अंदर ये देखो प्लग आ गया, और ये सारी इसकी ओरिंग्स वगैरह जितनी भी होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें जब हम ऑयल फिल्टर जो डालते हैं ना, इसको पहले हम ऑयल में डिप करते हैं पहले थोड़ी देर, ताकि ये जो है ना पूरा ऑयल से भींग जाए। और होता क्या है, अगर हम ऑयल सूखा अगर डालते हैं तो ऑयल जब हमारा पंप करता है तो ये पहले ऑयल फिल्टर में जाता है, तब इसके बाद आपका टैपेटी बज जाता है। इसीलिए हम पहले अगर इसमें ऑयल अगर डाल देंगे तो ये हमारा ऑयल में पहले ही भरा रहेगा, ताकि वो सीधा ऊपर प्रेशर मारे, ताकि ये भरे। अगर सूखा हम डालेंगे पहले इसके अंदर आपका ऑयल भरेगा, इसके बाद आपका टैपेट के ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ होता है क्या, इसमें हम डीप करके ही डालना चाहिए हमें। भाइयों ये देखिए, अब यहाँ पे जो है एयर ऑयल फिल्टर को पूरा अच्छे से ऑयल में डिप कर दिया गया है, यहाँ पे इसको लगा दिया है। अब ये देखो नई ओरिंग इसके ऊपर लगाई जा रही है, ये ओरिंग भी बदलनी चाहिए ना हर बार, हर एक सर्विस में आपका ओरिंग चेंज होगा, सक्शन फिल्टर्स के इसलिए जो होते हैं ओरिंग्स ये चेंज होंगे। ये देखो, तो ये सक्शन फिल्टर के ऊपर भी फिल्टर्स होते हैं, इस पे आपका डस्ट होता है, ये चीज़ आपका क्लीन करना होता है, ये चीज़ पूरा क्लीन होगा आपका। तो गाइज, अब ये देखो ये सारी चीज़ बहुत प्रॉपरली हो रही है, तो आप लोग देख लो, समझ लो, जिससे आप जब अपने बाइक की सर्विस कराने जाओ तो कोई आपके साथ कोई भी मिसकॉन्सेप्शन ना रहे, तो आप इसको देख लो अच्छे से। फाइनली जो हमारा ऑयल फिल्टर है ये लग चुका है, अब इसके बाद सक्शन फिल्टर वगैरह को भी प्रॉपरली लगाया जाएगा, नीचे से बोल्ट जो ड्रेन बोल्ट है उसको बंद करेंगे, उसके बाद फिर डालेंगे हम लोग ऑयल। जो है ये देखो सक्शन फिल्टर और
उसकी कैप वगैरह में ओरिंग लग चुकी है और ये नीचे यहाँ पे टाइटली बंद होता है। और यहाँ नीचे इसको फिल्टर सेक्शन फिल्टर लगाने के बाद अब ये देखो यहाँ पे अंदर जो है यहाँ नीचे होता है इंजन का वो कैप जो इसके ऊपर लग जाएगी और इसके बाद फिर ये इंजन रेडी हो जाएगा हमारा ऑयल डालने के लिए। अब ये देखो फिलहाल यहाँ पे ऑयल पड़ने वाला है तो यहाँ पे डाल रहे हैं ऑयल। तो ये 1.7 ml पड़ता है यानी कि 1 लीटर 700 ml ऑयल इसमें आता है। तो अब ये देखो यहाँ पे इसमें ऑयल डाला जाएगा और ऑयल डालने के बाद फिर इसका लेवल वगैरह चेक करके फिर ये मोटा मोटा काम ऊपर का कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके आगे का काम शुरू होगा। जो है फिलहाल यहाँ पे एयर फिल्टर के बॉक्स की ओपनिंग हो रही है तो एयर फिल्टर बॉक्स को ओपन करके देख रहे हैं कि एयर फिल्टर का क्या हाल है। वैसे मुझे उम्मीद है कि एयर फिल्टर ख़राब कंडीशन में ही होगा क्योंकि बीच में एक दो बार पानी वानी भी बहुत ज़्यादा था, एक जगह पे डीप गाड़ी गई थी। तो अभी देखो पता चल जाएगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो आओ देखते हैं इसको और एयर फिल्टर निकलता है फिर दिखाता हूँ आपको। फिल्टर हमारा बाहर आ गया है, वैसे तो साफ दिख रहा है लेकिन ये भीगा है पानी में क्योंकि मुझे पता है एक दो बार बहुत डीप पानी में गलती से मैं चला गया था, जाता नहीं था लेकिन वो आज इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कि मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं पड़ा था कहाँ जा रहे हैं तो उसमें मैं चला गया था। तो अब फिलहाल जो है एयर फिल्टर भी चेंज करा रहे हैं क्योंकि देखो चेंज करा देने से ना इंजन की लाइफ बढ़ जाती है और चीज़ें अच्छी हो जाती है। और ये देखो ये जो रिंग है ना ये ज़रूर चेंज करानी चाहिए। ये देखो जो ये रिंग निकली है ना ये ही वो रिंग है जो आपके इंजन में अंदर डस्ट को जाने से रोकेगी, तो ये ज़रूर चेंज कराइए। तो अब नया एयर फिल्टर और इसकी नई रिंग, ये दोनों चीज़ें अभी हम लगवाते हैं। ये देखो ये आ गई नई रिंग और ये आ गया देखो नया फिल्टर। तो ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास जमाझम। और अब इसको लगाते हैं, इसको पैक करते हैं फिर आगे चलते हैं। फिलहाल ओरिंग लग चुकी है और ये देखो अब फिल्टर जो है प्रॉपरली टाइट हो गया है। और अब यहाँ पे ये देखो वापस इसको टाइट किया जा रहा है। अच्छा एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, कभी भी जब भी आप ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर किसी के भी बॉक्स के ये पेज टाइट करवाते हो ना तो एक बार में सारे टाइट नहीं करने चाहिए, पहले सारे बोल्ट लगाओ फिर थोड़ा थोड़ा सबको टाइट करो जिससे कि कहीं से भी गैपिंग की चांसेस ना रहे। ये देखो आप देख रहे हो सारे पहले सारे एक साथ लगा के बिल्कुल अच्छे से बिठा दिए पूरे ऊपर तक और फिर लास्ट में ये टाइट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके का ये करना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे ये पोर्शन भी हो गया पैक होगा, अब हम जाएंगे उस साइड और बाकी का काम होगा। ये देखो फिलहाल जो है टैंक इसका उतर चुका है और अब जो है श्याम भाई इसमें ये देखो अब ये टैपेट खोलने जा रहे हैं। टैपेट में श्याम भाई हल्की साउंड थी ज़्यादा साउंड थी क्लियरेंस कितना कम ज़्यादा है, कुछ तो कम है ना, मतलब क्योंकि तभी आवाज़ थोड़ी कट कट कर रही है ना। हाँ तो गाइज ये देखो फिलहाल अभी जो है इसका टैपेट जो है कवर खुल रहा है। ये देखो इसके लिए ये सारा जितना भी ये इग्निशन कॉइल वगैरह होती है सब यहाँ से निकालनी पड़ेगी, निकालेंगे फिर टैपेट कवर खोलेगा और फिर उसके नीचे जो है आपका वो प्रॉपर काम होगा। ये देखो ये पूरा बाहर आ चुका है। अब ये देखो होता यही है, ये गैस्केट इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि जब ये निकलती है ना तो ये ओवरसाइज़ हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा लग नहीं पाती है तो इसीलिए जो है ये गैस्केट को हमेशा चेंज करने की रिकमेंडेशन दी जाती है। तो ये देखो ये गैस्केट भी पूरी निकल चुकी है। अब इसके बाद जो है इसके टैपेट वगैरह को अलाइन करेंगे, अलाइन करने के बाद फिर जो है ये टैपेट एडजस्ट किए जाएंगे। भाई लोगों फ़िलहाल यहाँ पे एग्जॉस्ट और इनलेट के जो टैपेट्स हैं उसको एडजस्ट कर रहे हैं और उसी का एडजस्टमेंट चल रहा है। इस समय मैं उन्हें छेड़ इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें ना अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाएगी या मिस्टेक हो जाएगी ना तो वो सेटिंग फिर आती नहीं है। तो मैंने कहा कि उनको कर लेने देता हूँ, मैंने थोड़ा दूर से ही वीडियो शूट कर देता हूँ। लोगों फ़िलहाल जो टैपेट है वो एडजस्ट हो चुका है। इनलेट वाला होता है 0.08 और एग्जॉस्ट का होता है 0.18। तो दोनों ही ये देखो अब सेट हो चुके हैं। अब एक बार जो है इसका ये जो क्लीनिंग की जाती है उसके बाद इसके ऊपर दोबारा जो गैस्केट होती है उसको बिठा करके और फिर उस हिसाब से उसको
दोबारा एडजस्ट करके और लगाते हैं। तो अब ये देखो, ये इस तरीके का कुछ हो रहा है। फिलहाल हमारा जो टैपेट का कवर है वो बंद होने जा रहा है, ये देखिए। तो ये टैपेट कवर के ऊपर ये देखिए प्रॉपरली इसमें यहाँ पे बैठाते हैं, उसके बाद यहाँ पे साइड में दो बोल्ट्स लगते हैं और उसके बाद इसको प्रॉपरली एडजस्ट करके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा जो है, ये देखिए ये नए गैस्केट्स इसके अंदर भी आते हैं, ये देखिए इस तरीके के ये नए गैस्केट्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं जिससे कि ऑयल लीक ना हो इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे नए गैस्केट सारे लगाए जा रहे हैं और उसके बाद अब ये पैक होता है, पैक हो जाता है, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। फिलहाल जो है ये देख सकते हैं आप, अब टंकी के नीचे के जितने भी पाइप्स होते हैं, फ्यूल पंप के कनेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो श्याम भाई अब इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखो नीचे इसके हाथ डाल के, क्योंकि ये इसका तरीका ही यही होता है कि इसके नीचे, ये देखो यहाँ से आप देखो अंदर अगर देख पाओ तो, क्योंकि एक्चुअली वहाँ थोड़ा अंधेरा होता है तो थोड़ा दिखा पाना मुश्किल होता है। ये देखो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करके और फिर उसके बाद ये टैंक को वापस इसमें इंस्टॉल करेंगे। कल जो है ये देखो चेन एडजस्टिंग चल रही है, कुछ चेन में मुझे हल्की सी आवाज़ भी आ रही थी कि कुछ हल्की सी कट 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 कर रही थी, तो वो चेक भी कर रहे हैं कि कहीं से कोई स्प्रॉकेट या कहीं कुछ लूज़ तो नहीं है, या कहीं में कुछ कोई लूज़ जॉइंट, कुछ लूज़ बोल्ट, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से इतनी आवाज़ आए। तो वो हर चीज़ को चेक करेंगे प्रॉपर। अभी फिर चेन क्लीन होगी, बाकी ये दोनों पीछे के इंडिकेटर भी चेंज कराने हैं, तो अभी देखो देखते हैं अगर पार्ट अवेलेबल होगा तो वो भी करवा देंगे हाथ के हाथ। तो अभी देखो ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ बहुत प्रॉपरली चेक हो रही है। तो भाइयों अब जो है फ़िलहाल यहाँ पे देखो ये बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं इसको क्लीन किया जा रहा है। अभी डोल टूल लगा हुआ था, ये देखो ये जो डोल टूल है ये हमारी गाड़ी से कनेक्टेड था, तो इसने कहा कि बैटरी के टर्मिनल्स जो है ना वो कुछ गड़बड़ हैं। तो ये देखो जब हम लोगों ने खोल के देखा तो यहाँ पे हल्का सा रस्टिंग थी, तो वो उस रस्टिंग को क्लीन किया जा रहा है। ये देखो अभी एक साइड हो गई, अभी दूसरी साइड भी करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टूल्स होते हैं ना वो ये हर एक चीज़ को चेक कर लेते हैं और हर एक चीज़ को प्रोसेस कर देते हैं उस हिसाब से। तो ये देखिए अब एक एक चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली चेक हो जाएगी। तो भाई लोगों अब फिलहाल ये देखिए आप यहाँ पे कि हैंडल वगैरह को भी एडजस्ट किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद ये हैंडल वगैरह भी थोड़े बहुत लूज़ हो जाते हैं, तो इनको भी एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। तो इस समय फ़िलहाल वही हो रहा है कि यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे हैंडल को एडजस्ट करेंगे तो ऊपर से लूज़ किया है, अब इसके बाद हैंडल को टाइट करेंगे। बाकी ये देखिए इस तरीके से इसको हैंडल को टाइट किया जाता है जिससे कि जो हैंडल में थोड़ा बहुत प्ले आ जाता है ना वो प्ले ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हैंडल टाइट होगा। हैंडल टाइट होने के बाद इसको चेक करेंगे प्रॉपरली कि, और अब ये देखिए अब इसको वापस टाइट किया जाएगा। टाइट करने के बाद बाकी जो बोल्ट्स हैं उनको चेक करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये जो दोनों पीछे के आपके इंडिकेटर थे ये वाले, ये अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थे, कल परसों में आने वाले हैं। तो जैसे ही आ जाएंगे तो हम ले लेंगे, लगवा लेंगे। सम गार्ड लग रहा है इसमें, गाड़ी के अंदर मैकेनिकल सारे काम हो चुके हैं, बस एक चेन क्लीनिंग रह रही है, चेन क्लीनिंग लूबिंग, और बाकी मैकेनिकल काम सारे हो गए हैं। वॉशिंग आज हो पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये देखो मैं अकेला ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। फ़िलहाल सर्विस सेंटर एक्चुअली बंद हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे वॉशिंग तो आज नहीं करा पाएंगे, लेकिन आज बाकी सारे काम प्रॉपर होके मैकेनिकली वॉशिंग तो हम कल करा लेंगे, कभी भी करा लेंगे। हमारी बाइक की जो सर्विस है वो हो चुकी है पूरी, तो अब मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। एक तो पहली चीज़, इसमें इंजन ऑयल पड़ा है विच इज़ फॉर 683। देन इसमें सर्विस किट पड़ी है 1144 की, उसके बाद 140 रुपये का सीलेंट लगा है, और उसके बाद यहाँ पे 220 रुपये का ये एक असेंबली लगी, और इसके बाद इसमें लेबर जो है वो तकरीबन है 800 रुपये। तो ये है टोटल बिल जो कि हमें आज यहाँ पे करना पड़ा है ब्रॉन ऑटोमोबाइल से। तो अगर आप एक तरीके से देखिए तो बाइक का कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप हो गया, हर एक चीज़ हर एक पार्ट प्रॉपरली लग गया। अब जैसे दो चीज़ें नहीं थी, जैसे कि मेरे इंडिकेटर्स पीछे के नहीं थे, तो वो इंडिकेटर मेरे पीछे के लग जाएंगे और दो तीन दिन में आ जाएंगे, लगवा लूँगा। तो अब अगर आप इस चीज़ की बात कीजिए तो मतलब मुझे नहीं लगता कि एक बाइक के लिए 6 महीने साल भर में ये कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, और
बहुत डिसेंटली हो गया। अनफॉर्चुनेटली देखिए आप देख रहे हैं सर्विस सेंटर बंद हो गया है, मैं आखिरी बंदा हूँ जो यहाँ से काम करा के आज जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेक्निकल एस्पेक्ट में मज़ा आया होगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।